विपक्ष सदन छोड़कर नहीं गया है, वो अपनी मर्यादा छोड़कर चला गया है। उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, उन्होंने संविधान को पीठ दिखाई है। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द है राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब के। ये शब्द उन्होंने तब कहे जब पूरा का पूरा विपक्ष राज्यसभा को छोड़कर जा चुका था। क्या था पूरा मामला, आइए इस बाइट में देखते हैं। अत्यंत दर्दनाक, पीड़ादायक, अमर्यादित आचरण से देखकर मैं हूँ। शासन तीसरे निरंतर लगातार काल में है, 6 दशक के बाद। मैंने चर्चा की और मैंने अनुरोध किया कि प्रतिपक्ष के नेता को बिना बेरोक टोक बोलने का सुअवसर दिया। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए हैं, मर्यादा छोड़कर गए हैं। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है, हाउस ऑफ एल्डर्स, द अपर हाउस, हमें देश का मार्गदर्शन करना है। मैं उनके आचरण की भर्त्सना करता हूं। देश के 140 करोड़ लोग इसे आहत होंगे। सदन का मतलब है सत्ता पक्ष की बात सुनो। जब आपने अपनी पूरी बात कह दी, माननीय सदस्यगण आप सब जानते हैं, कल देर रात तक चर्चा रखी गई, हर सदस्य को मौका दिया गया। इट इज एन ओकेजन वेयर दे हैव चैलेंज्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव आउटरेज्ड द स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव डिसरिगार्डेड द ओथ दे हैव अंडरटेकन।